नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और जेके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दरौदा विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह। उमेश कुमार सिंह की पहचान उस इलाके में एक जुझारू राजनेता के रूप में तो है ही, खासकर समाज सेवा के क्षेत्र में ये वर्षों से लगे हुए थे और इनका परिवार का जो दरौदा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर खासा प्रभाव है। इनके परिवार के लोग पहले भी वहां पे जनप्रतिनिधि होते रहे हैं और आइए जानते हैं कि राजद ने इन पे दाव लगाया है, क्या चुनाव को लेकर क्या इनकी तैयारी है और क्या मुद्दा होगा उस चुनाव में। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं राजद का एक सक्रिय कार्यकर्ता आज 12 वर्ष से हूं और कार्यकर्ता को टिकट मिला है जी, इसलिए पार्टी में और संगठन में काफी उत्साह है जी। दरौंधा एक मॉडल दिखाया जाता है जी, रोड बनता है इधर से उखड़ जाता है इधर से, ये मॉडल है दरौंधा का जी। एक पहले जजिया टैक्स लगता था जी, दरौंधा में कोई काम लगेगा तो उससे बड़ा टैक्स लगता है, जजिया टैक्स से भी ज्यादा टैक्स लगता है, वो दरौंधा मॉडल है जी। स्कूल में जाइएगा तो मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो नर्स नहीं है जी, डॉक्टर नहीं है, ये दरौंधा मॉडल है। ये एक ही परिवार का, जब से दरौंधा विधानसभा बना एक ही परिवार का दरौंधा पे राज रहा है जी। मैं 8 महीने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जी और मैं ये आपको आपके मैंने चैनल के भरोसे से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उनके 10 साल पर 8 महीना भारी पड़ेगा। अगर नहीं तो आप जो बता रहे हैं 12 वर्षों से आप राजद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें राजद और जदयू का गठबंधन था तो उस समय तो आप उसी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे होंगे। जी नहीं, उस प्रत्याशी के लिए हम लोग थोड़ा शिथिल हो गए, गठबंधन है तो वहाँ गठबंधन पालन तो करना ही पड़ता है जी, गठबंधन धर्म को हम लोग निभाए जी, परंतु वो प्रत्याशी अब कैसा प्रत्याशी है, आपको वहाँ के अभी वर्तमान सांसद भी कुछ बोले हुए हैं जी, जो भूतपूर्व सांसद हो गए हैं जी जी जी, दरौंधा मॉडल पे भी बोले हैं उनके। नहीं, उन्होंने तो साफ कहा है कि जो वहाँ पे शहाबुद्दीन का आतंक था, ऐसा आतंक अब कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा तो सिवान की जनता नहीं, क्योंकि दरौदा आपका जो विधानसभा चुनाव है जहाँ से आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े राजनीतिक परिवार हैं जिनकी निगाहें उस सीट को लेकर टिकी हुई थी और पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो आप क्या पार्टी को आश्वस्त करना चाहेंगे और ये जो जितने भी आपके क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी नौजवान मेरे देख रहे हैं, साथी देख रहे हैं, माताएं और बहनों देख रही है, ये अब जान लीजिए कि दरौंधा एक अपने आप में एक अजूबा रिजल्ट होगा जी, जो मतलब कि बड़ा जो आदमी दिखाई दे रहा धराशायी हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ये रिजल्ट होगा कि मैंने यहाँ के आला कमान को भी सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों रिजल्ट हुआ है दरौंधा में। अब जिस पार्टी के कैडर वोटर आपके जो हैं वो दलित है, अकलियत है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है और आप खुद राजपूत बिरादरी से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने तो बहुत बड़ी रणनीति के तहत आपके दाव लगाया है, आप कैसे अपने वोटरों को एकजुट कर पाए? देखिए, समाज में मैं 12 वर्षों से 14 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, अगर किसी को रात में बिच्छू काट देता है उमेश सिंह को फोन जाता है तो वहाँ जरूर जाता है, कोई हॉस्पिटल में चला जाता है तो वहाँ जरूर जाता है, कोई का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ जरूर जाता है, कोई बच्चा खेल अगर खिलाता है तो वहाँ अगर बुलाता है तो जरूर जाते हैं, ले हर जात हर कौम हर बिरादरी में बम्फर सपोर्ट है और बम्फर रिजल्ट से चुनाव जीतेंगे, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। ये हैं उमेश कुमार सिंह और इनका मानना है कि जो इन्होंने क्षेत्र में विकास के का मॉडल तैयार किया है और ये सीधा दावा कर रहे हैं कि 8 महीने में ये ऐसा जरूर कुछ करेंगे, जब से नए परिसीमन के बाद दरौदा विधानसभा अपने अस्तित्व में आया है एक ही परिवार का उस क्षेत्र पर वर्चस्व रहा है और विकास वहां पे इन्होंने तो साफ कहा कि एक जजिया कर यानी कि कहीं ना कहीं आतंक का माहौल है और वो परिवार जो है वहां के विकास में बाधक है, ये उस बाधा को भी दूर करेंगे और इनको लगता है कि जो राजद का वोट बैंक है MY समीकरण है उसमें राजपूत वोटरों को जोड़ेंगे, जो स्वर्ण वोटर हैं और जो उनसे कहीं ना कहीं आतंकित हैं उन्हें जोड़ कर ये वहां से चौंकाने वाला परिणाम देंगे। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।